हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ आपका मेडिकल वाला दोस्त। तो आज हम बात करेंगे पेंटोसिट टैबलेट के बारे में, जिसके अंदर में साल्ट जो है वो है पेंटोप्राजोल 40 mg। तो इसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है और इसका इस्तेमाल किस किस परेशानी में किया जाता है, साथ ही इससे क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो मैं ऐसी दवाइयों से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो बनाता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की पैकिंग होती है और स्ट्रिप के अंदर में आपको 15 टैबलेट मिल जाती है। इसका ब्रांड नेम आप देख पा रहे होंगे पेंटोसिट, और ये जो 40 mg की टैबलेट होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 mg। तो इसके अंदर में जो साल्ट होता है वो होता है पेंटोप्राजोल 40 mg, और यहाँ पे आपको शेड्यूल एच की वार्निंग मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके MRP की। तो MRP आप देख सकते हो इसका 172 इसका MRP है। तो आइए आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल किस परेशानी में किया जाता है। तो दोस्तों, ये पेंटोप्राजोल जो है ये एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर मेडिसिन होती है, और इसका इस्तेमाल जो है वो पेट में जलन, अनपच जैसा, पेट में भारीपन, उल्टी आना, या फिर जो पेट में भारी भारीपन रहता है, गले में जलन रहती है, छाती में जलन रहती है, इस तरह की जब समस्या होती है तब जो है इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो आप जानते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट आपको दिखने को मिल सकते हैं। तो इसके वैसे तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट वो नहीं दिखे हैं, और साइड इफ़ेक्ट जो इसके हो सकते हैं वो है उल्टी, चक्कर, दस्त, या फिर जो है चेहरे पे या फिर हाथ पांव पे जो है रैशे होना, या फिर दाने होना, खुजली होना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और डोज की बात करें, डोज के बारे में जाने, तो डोज की जो डोज जो दी जाती है वो होती है सुबह खाली पेट, खाना खाने से बिल्कुल पहले। तो काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि यदि हम इसको लेना भूल जाएं और कुछ खाना खाने के बाद ही हम याद आए तो कैसे करें, या फिर कभी कभार जो है खाना खाए हुए होते हैं तब प्रॉब्लम हो जाती है गैस्ट्रिक की, जलन वगैरह की, तो तब इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो इसको तब भी आप ले सकते हो, बट आप अगर खाली पेट लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इसको खाना खाने के बाद भी लोगे तब भी जो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि वैसे इसको खाली पेट ही लें, और सुबह शाम भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जो है कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है, तो डॉक्टर की सलाह इसमें ज़रूरी लें। और जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं उनके लिए काफ़ी हद तक सेफ़ है, ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएँ भी इसको ले सकती है, बट जो है कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर की सलाह के अनुसार। तो इसलिए जो है डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर से लें इसके लिए। और इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।